सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, और वही क्वेश्चन हमारी जॉब ना लगने के कारण होते हैं। तो हमें चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो, हर टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में सारी बात है ना। फैक्टोरियल से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो बन सकते हो वो आप जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो एक तो जो साइन होता है ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है ना। फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करते हैं, पांच फैक्टोरियल इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना, 5 × 4 × 3 × 1 × 2 है ना, मतलब 5 से लेकर 1 तक जाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार यदि मैं 6 फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक पर जाएंगे 6 से लेके। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां भी रुकना चाहे वहां रुक सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 पर रुकना है तो 5 पर रुक जाएंगे लेकिन फैक्टोरियल लगा देंगे। सपोज करो मुझे 5 पर नहीं रुकना है तो 6 × 5 × 4, लेकिन 4 के बाद नहीं जाना है तो 4 फैक्टोरियल लगा दो यहाँ पे। सपोज करो मुझे 4 के बाद भी जाना है लेकिन 3 पर रुकना है तो 3 तक जा सकते हैं और 3 फैक्टोरियल लगा देंगे, है ना। वहां पे फैक्टोरियल जरूर लगाना पड़ेगा। यदि आप फैक्टोरियल नहीं लगाते हो यहाँ पे तो फिर वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ तक, 1 तक, तभी इसकी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। बस इन दोनों कॉन्सेप्ट में सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं वो ये, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 6 फैक्टोरियल − 5 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, निम्न में से इसकी कौन सी वैल्यू होगी। तो आप थोड़े, यदि आपने कभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप कहां यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे और आपके हाथ से एक नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे करना है इसको, देखो यहां बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप देखो सबसे कम फैक्टोरियल कहां है इसमें, यहां 6 है, यहां पर 5 है, यहां कितना 4 फैक्टोरियल, तो इसको भी 4 में कन्वर्ट कर लो। तो 6 फैक्टोरियल को यदि मुझे 4 फैक्टोरियल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 6 × 5, मुझे रुकना कहां पर है, 4 पे, तो यहां पे लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल, माइनस 5 को 4 पे रुकना है तो 5 × 4 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, बस इतना करना है, ठीक है ना। अब देखो तीनों में 4 आ गया तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल फॉर्मूला ले लूंगा, तो यहां पे क्या बचेगा, 6 × 5 = 30, 30 यहां से आ जाएगा, माइनस यहां से आ जाएगा 5, ठीक है, और यहां से 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो देखो 30 में से 5 आएंगे, बचेंगे तो कितने, 25, 25 और 1 26, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, यहां से 26 4 फैक्टोरियल, है ना। तो कितना आ जाएगा, यहां पे फैक्टोरियल का सिंबल ये वाला बना हुआ है, मतलब क्या आ जाएगा, बी, है ना। तो इससे आ जाएगा 26 और यहां पे 4 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया था तो ये आ जाएगा। सपोज करो आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे, अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 सबसे कम वाला कौन सा फैक्टोरियल है, 5, तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब मैंने 5 फैक्टोरियल इससे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 कॉमन बचेगा, 1 कर दिया, प्लस में था 1 कर दिया, है ना। जब मैंने 5 फैक्टोरियल इससे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस के 6 बचेंगे तो वो लिख दिए, और जब मैंने 5 फैक्टोरियल इससे कॉमन लिया तो क्या बचेंगे, 6 × 7 = 42, ठीक है ना। तो यहाँ से 42 आ जाएगा प्लस का, 42 × 43, मतलब 43 − 6 और कितना, × 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कॉमन लिया था तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 37, ठीक है, और × 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये कहां पर है, इसी, बस, है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।